आज जब एक बड़बोले अमेरिकी राजनीतिज्ञ के बचाव में कुछ वामपंथी विशेषकर कांग्रेसी राजनीतिज्ञों को आते हुए देखता हूं तो क्रोध भी आती है और हंसी भी। पर क्या आपको पता है कि दास्तान इनमें ऐसी घर कर गई कि इन्होंने सनक में इस देश की जनसंख्या की जबरन नसबंदी कराने तक का निर्णय ले लिया था। 1970 के दशक में आपातकाल के दौरान भारत में जबरन नसबंदी का कुख्यात अध्याय देश के इतिहास में एक तानाशाही युग की भयावह स्मृतियों के रूप में अंकित है। इस घृणित उपाय की जड़ें पॉल एल्ड्रिच की विवादास्पद पुस्तक द पॉपुलेशन बॉम्ब में भी खोजी जा सकती है, जिसमें अत्यधिक जनसंख्या के गंभीर परिणामों की भविष्यवाणी की गई थी। नमस्कार, यह है TFI और मैं अनिमेश पांडे पॉल एल्ड्रिच के सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका और उस अवधि के दौरान भारत में सामने आई दुखद घटनाओं के बीच संबंध पर गहन चर्चा करूंगा। कल्पना कीजिए कि भारतीय प्रशासन बर्नी सैंडर्स और ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोगों की नीति पर शब्दशः कार्य कर रहा है। 70 के दशक के प्रारंभ में तत्कालीन कांग्रेस प्रशासन ने ठीक यही किया था। हाल ही में इसी विषय पर @MizaOptimizer नामक यूजर ने पॉल एर्लिच के सुझाव पर भारतीयों की जबरन नसबंदी से संबंधित कई ट्वीट किए, जिस पर ट्विटर संचालक एवं चर्चित उद्योगपति एलन मस्क ने भी आश्चर्य और निराशा व्यक्त की और पॉल को मानवता के लिए कलंक बताया। परंतु ऐसा भी इन्होंने क्या किया था? वैश्विक जनसंख्या वृद्धि के बारे में पॉल एर्लिच ने नामक व्यक्ति ने तरह तरह की अफवाहें फैलाई थी, परंतु सोशल मीडिया के अभाव में ऐसा बकैत एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गया जिसने पुरस्कार और प्रशंसा अर्जित करते हुए पर्यावरण विज्ञान और एक्टिविज्म में अपना प्रभाव जमाया। इनकी भ्रामक धारणाओं का भारत के परिवार नियोजन नीतियों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे एक भयानक और अमानवीय अभियान प्रारंभ हुआ। इस कथा का प्रारंभ 1968 में होता है, जब एर्लिच की पुस्तक ने दुनिया भर में अत्यधिक जनसंख्या और इसके कारण होने वाली भुखमरी के बारे में चिंताएं पैदा की। जबरन नसबंदी की उनकी सिफारिशों को विशेषकर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बेन्स जॉनसन ने गंभीरता से लिया। कथित तौर पर जॉनसन ने बड़े पैमाने पर नसबंदी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर ही भारत को वित्तीय सहायता देने की शर्त रखी, जिसे भारत के नेतृत्व से काफी समर्थन मिला। इसी एर्लिच के कारण आपातकाल में भारतीय प्रशासन ने जबरन नसबंदी प्रारंभ की। विश्व बैंक, स्वीडिश अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से वित्तीय सहायता के साथ सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के नागरिकों को मात्र आंकड़ा बना दिया। ऐसा लग रहा था मानो 1984 उपन्यास के किसी दृश्य का वास्तव में रूपांतरण हो रहा हो। आपातकाल के दौरान जबरन नसबंदी का पैमाना चौंका देने वाला था। केवल एक वर्ष में लगभग 62 लाख भारतीय पुरुषों की जबरन नसबंदी की गई। लक्ष्य मुख्य रूप से वंचित क्षेत्रों के गरीब अशिक्षित पुरुषों पर केंद्रित थे। कुछ उदाहरणों में पूरे के पूरे गांव को पुलिस द्वारा घेर लिया जाता और पुरुषों की जबरदस्ती सर्जरी कराई जाती। दुख की बात यह है कि खराब प्रक्रियाओं के कारण 2000 से अधिक पुरुषों ने इस समय अपनी जान गंवाई थी, लेकिन जब तक इन लोगों को अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल रही है तब तक इन आंकड़ों से क्या होता है और किसे चिंता होगी। फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन जैसे संस्थानों की भागीदारी जबरन नसबंदी को समर्थन और सुविधा देने में उनकी मिली भगत पर सवाल उठाती है। यद्यपि इन संस्थानों ने भारत की जनसंख्या समस्या के समाधान के साधन के रूप में अपने समर्थन को उचित ठहराया, परंतु ऐसे कार्यों के नैतिक निहितार्थों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह उन राष्ट्रों द्वारा प्रदर्शित दोहरे मानकों को उजागर करता है जो आज मानव अधिकार और लोकतंत्र की बातें करते नहीं थकते। लाखों भारतीय पुरुषों की जबरन नसबंदी देश के आधुनिक इतिहास के सबसे भयावह अध्यायों में से एक का प्रतिनिधित्व करती है। यह मानवीय गरिमा, व्यक्तिगत अधिकारों की उपेक्षा और सत्ता के दुरुपयोग की दर्दनाक याद के रूप में कार्य करता है और इस अंधेरे दौर के निशान आज भी प्रभावित परिवारों और समुदायों पर असर कर रहे हैं। भारत में आपातकाल के दौरान चलाई गई जबरन नसबंदी अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव के सम्मिलन का एक दुखद परिणाम है। ये मानव अधिकारों की रक्षा करने, व्यक्तिगत स्वायत्तता का सम्मान करने और मानव पर संख्याओं की को प्राथमिकता देने वाली नीतियों के प्रति सतर्क रहने के महत्व को स्मरण कराती है।